भ्राता, एक विशिष्ट खबर प्रचलित हुई है जिसको सुनकर तुम्हारे कर्ण में सुख प्राप्ति होगी। समाचार ये है, राख अर्थात एस लेंस से परस्पर युद्ध करेगा विश्व विजय धारा पर्व में। विश्व विजय धारा पर्व नहीं समझे, अर्थात वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में। नहीं होगा यार मेरे से, इतने हिंदी में एग्जाम में लिख के आया होता तो आज मैं टॉप करता, लेकिन कोई नहीं। सिंपल साफ शब्दों में बोला जाए तो एस और लेंस के बीच में मुकाबला होने वाला है, जिसमें एस केचम तीनों फिनोमिनास का इस्तेमाल करेगा और ड्रैगोविस पोकेमोन का भी यूज करेगा। साथ में लिली वापस आने वाली है, ग्लेडियन वापस आने वाला है, प्लस सबसे बड़ी मिस्ट्री, उनके फादर वापस आने वाले हैं। उनके फादर यानी कि लिली और ग्लेडियन के फादर, एस के फादर नहीं। बट क्या पता वर्महोल में एस के फादर भी बाहर निकल जाए, कौन क्या जाने पोकेमोन वाले हैं, लेकिन डिटेल में बताऊंगा मैं आप सभी को। साथ में एपिसोड टाइटल्स भी आ चुके हैं, एक टाइटल में तो एस केचम को चैंपियन का दर्जा दिया गया है। अभी तक उसको एनिमे सीरीज में चैंपियन वाली रेस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन अब मिलेगी उसको चैंपियन वाली रेस्पेक्ट, और मिलेगा उसको अपने करीबी फ्रेंड से धोखा। तो कौन देगा धोखा, बात करेंगे। साथ में प्रोजेक्ट म्यू का फिनाले भी आ चुका है, जिसमें रेजी ड्रैगो और रेजी लिकी आने वाले हैं। सो बहुत सारे समाचार है, जल्दी से शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एस वर्सेस लेंस के बारे में। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मैच जो है वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में होगा या फिर एक फ्रेंडली मैच होगा। जितना मुझे लग रहा है कि यार ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज का मुकाबला होने वाला है, जिसमें एस केचम ड्रैगोविस का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज मैगजीन में साफ साफ हमको इनके इमेजेस देखने को मिले हैं। स्टोरी पर मैं डाल दूंगा, आप स्टोरी पर जाके देख लेना। और इसमें एस केचम यार कौन से भी फिनोमिनाज का इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज उसने तीनों के तीनों फिनोमिनाज को पहना हुआ है और ऊपर से वो ड्रैगोविस का भी यूज़ कर रहा है। तो पोकेमोन तो हम कह नहीं सकते कि वो कौन सा पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो ड्रैगोविस का इस्तेमाल कर रहा है जो कि आइस टाइप मूव्स को जानता है, तो आराम से फ्लाइंग टाइप गैराडोस को वीक कर देगा। तो कहीं ना कहीं एस जो है लॉजिकली सोच रहा है, तो मज़ा आएगा। लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुकाबला जरूर होगा ये कंफर्म है। लेकिन कुछ टाइटल्स कंफर्म हो चुके हैं। 110 होगा प्रोजेक्ट म्यू वाला एपिसोड, जिसमें यार मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज गो के ऊपर एपिसोड है, इसमें एस का रोल थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आगे आना वाला एपिसोड जो है ना वो कमाल का है, वो है 111, जिसमें टाइटल होने वाला है मोहन एंड लिली स्नोफील्ड रियूनियन। कुल मिला के यहाँ पे अपने प्यारी सी बेटा बेटी का मिलाप होगा। मतलब यार मोहन जो है फाइनली लिली और ग्लेडियन से मिलेंगे और मजा आ जाएगा, कतई बता रहा हूँ। बिकॉज यार थलोला रीजन की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि यार कहाँ है ग्लेडियन और लिली के मदर फादर। मदर को साइड में रखो, फादर मोहन वर्म होल में दूसरी दुनिया में चले गए थे। लेकिन क्राउन जो है ना, क्राउन वाला आर्क जो कि गेम्स में भी आता है, जिसके कारण लिली के फादर ग्लेडियन के फादर वापस आएंगे। और यार जितना मुझे सुनने में आया है, गेम्स मैंने खेला नहीं है, लेकिन गेम्स में भी क्राउन वाले आर्क में वर्म होल जो है वहाँ पे अपीयर होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा एजुला में, जहाँ पे मोहन जो थे वो यार वर्म होल के अंदर चले गए थे, और क्राउन जो आर्क आएगा, क्राउन टुंड्रा जो भी इसको बोलो, वहाँ पे वर्म होल खुल जाएगा और मोहन बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे यार हमको लिली और ग्लेडियन भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे मिस्ट्रियस सा पोकेमोन अपीयर हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से ये स्नो वाला पोकेमोन, ये घोस वाला पोकेमोन, ये दोनों में से कोई एक पोकेमोन अपीयर होगा। रेजी लिकी और रेजी ड्रैगो भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो अपीयर होंगे तो प्रोजेक्ट न्यू वाले एपिसोड में अपीयर होंगे। तो इस आर्क में जो मिस्ट्रियस पोकेमोन अपीयर होगा, ये घोड़े वाले पोकेमोन, मतलब जो ये हॉर्स टाइप पोकेमोन है, दोनों व्हाइट और ब्लैक, इन दोनों में से कोई अपीयर हो सकता है। नेम क्लेक्सी ब्लैक्सी ऐसा कुछ नेम है, नेम में नहीं लेने वाला, काफ़ी अजीब है। तो कुल मिला के ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा। गो एंड कोरू भी यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑफ कोर्स बात है, गो और कोरू आएंगे तो एस केचम भी आएंगे। एट द टाइम सातोशी फ्रेंड फ्रॉम द एलोरा रीजन लिली एंड हर ब्रदर ग्लेडियन आल्सो अराइव एट द क्राउन स्नोफील्ड टू सर्च फॉर देयर मिसिंग फादर मोहन। कुल मिला के स्टोरी का पूरा प्लॉट यही होगा, एक मिस्ट्रियस पोकेमोन अपीयर होगा, जहाँ पे सातोशी गो और कोरू जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपीयर होंगे, और ये वहीं पे लिली और ग्लेडियन भी आ जाएंगे अपने फादर को फाइंड करने के लिए। समझ गए होंगे, कुल मिला के यार एस के फादर तो मिले नहीं, तो मज़ा आएगा। कुल मिला के एस के फादर को भी ऐसे जल्दी सॉल्व कर देंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन कोई नहीं, फिर इसका अगला आने वाला एपिसोड 112 आपको हैरान, बहुत ही ज़्यादा हैरान, परेशान कर ही देगा। और इस चैनल का नाम है
ट्रिम फंड रिटर्न एलोला चैंपियन। भाई यार पोकेमोन वालों से मेरे से दुश्मनी है क्या? अच्छे शुद्ध नाम रखो ना, ऐसे नेम रखते हैं मेरे से प्रोनाउंस होते ही नहीं है, साला जिंदगी बर्बाद है मेरा। बट कोई नहीं, इस एपिसोड में कुछ होगा ऐसा, सातोशी रियूनाइट्स विथ हिज एलोला पोकेमोन स्कूल फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए व्हाइल। यानी कि यार बड़े समय के बाद सातोशी जो है एज क्रिम जो है अपने एलोला के स्कूल फ्रेंड्स से मिलेगा। दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन ए बैटल रॉयल, यानी कि यार वो बैटल रॉयल में पार्टिसिपेट करेंगे और एज को मिलेगा धोखा। तेरा नाम धोखा रख दू, नहीं 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 कॉपीराइट आ जाएगा। तो हाँ एज को धोखा मिलेगा, लेकिन धोखा कौन देगा? फोर प्लेयर आपस में साइमल्टेनियसली मुकाबला करेंगे और एस चैंपियन थे रहा उसके ऊपर हमला होगा एक साथ। और कहा जा रहा है कि यार प्रोफेसर कुकुई भी इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, क्यूई भी आ जाएगा और ग्लेडियन भी आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन धोखेबाज कौन है मुझे बताओ, साले को रोज कर दूंगा, कौन है मेरे एस को धोखा देगा बताओ मुझे। तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे एस जो है चैंपियन थे रहा तो यार बाहर भीड़ लग जाएगी। फाइनली एस को रेस्पेक्ट मिलेगी चैंपियन वाली। अभी मास्टरेट अनाउंस हुए थे तभी भी एस को यार एलोला का चैंपियन नहीं बोला गया था, वरना बाकी सबको वो चैंपियन, हुविन का चैंपियन, सिनू का चैंपियन, ग्लार का चैंपियन, इबला अबला चैंपियन बोला गया था। लेकिन एस को रेस्पेक्ट नहीं मिली, साला दिमाग खराब हो गया मेरा वहीं पे। यहाँ तक कि एलान को केलोस लीग का चैंपियन बोला गया, केलोस लीग बोला है, केलोस का चैंपियन नहीं बोला है, केलोस का चैंपियन तो ध्यान था है। तो देखो एस को रेस्पेक्ट नहीं मिली, क्योंकि उसको रेस्पेक्ट मिलेगी इस एपिसोड में, उसको फाइनली एक चैंपियन का दर्जा दिया जाएगा और अपना प्यारा सा एस केचम बन जाएगा चैंपियन। और क्या वो अपने इस टाइटल को अपने हाथ में रख पाएगा या फिर धोखे से वो हार जाएगा? और प्रोबेबली बता रहा हूँ ये सीन जब एस केचम उदास है और ये सीन जब पार्टी कर रहे हैं, ये पार्टी लिली और ग्लेडियन के स्वागत में हो सकती है, मोहन भी वापस आ रहे हैं उसके स्वागत में हो सकती है, एस केचम मास्टरेट में चला गया उसके स्वागत में हो सकती है, कोई मिला के पार्टी तो होगा, जश्न होगा। अरे बजाओ रे गाना, ना मत बजाओ कॉपीराइट आ जाएगा। तो कुल मिला के पार्टी होने वाली है। अब जो एपिसोड है फिलर एपिसोड तो कोई भी नहीं है, हाँ गो वाला एपिसोड आ रहा है, लेकिन गो वाला एपिसोड भी जरूरी है कैरेक्टर डेवलपमेंट्स के लिए। तो कुल मिला के ये देखो, अब इसका अगला वाला जो एपिसोड होने वाला है वो मेरे लिए सैड न्यूज़ है, लेकिन गो के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है, और वो है एपिसोड 113 जिसमें होने वाला है अपन सबका प्यारा गो, मेरा प्यारा नहीं तुम सबका प्यारा गो। इसमें देखो टोकन अर्न करेंगे, फाइनल क्वालिफिकेशन होने वाला है, अगर गो इसको पार कर दिया तो उसको म्यू को कैच करने का मौका मिलेगा। यानी गैरी के पास सबसे ज्यादा टोकन है, यहाँ पे रेजी लिकी रेजी ड्रेगो कुछ ऐसा टाइटल होने वाला है, यानी कि कोई तो रेजी लिकी रेजी ड्रेगो पोकेमोन को पकड़ के लाओ ऐसा कुछ टाइटल है। तो कुल मिला के मजा आएगा, गो पार कर लेगा, गो पे मुझे इतना तो भरोसा है। देखो यार मैं उसका रोस्टर उसकी तारीफ कर रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी ना प्रोजेक्ट म्यू में। तो देखो कुल मिला के गो पार कर लेगा इस पड़ाव को और फिर वो चला जाएगा म्यू के क्वालिफाई राउंड में, एस चला गया मास्टरेट के क्वालिफाई राउंड में, और उसके बाद सेना वाला आर्क भी शुरू हो जाएगा, वेलेस कप भी शुरू हो जाएगा। ऐसे करते करते सब आर्क फिनिशिंग की ओर जा रहे हैं, जर्नी सीरीज एंडिंग की ओर जा रहा है और 130-140 एपिसोड आएंगे और जर्नी सीरीज खत्म हो जाएगा। लेकिन यार मैंने बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च की और वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज कैसा बैटल होगा, कौन किससे मुकाबला करेगा, ये बात मुझे पता चल चुकी है। उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, 5K लाइक कर दो इस वीडियो पे, मैं वो वीडियो बना दूंगा। और स्पोकन क्विज का आंसर दो, बाय बाय।